टाइगर का गाना। तो कुत्ते का नाम है ना, जर्मन शेफर्ड कई और भी हैं, कुत्ते कहीं घड़े भोंक रहे हैं जर्मन। विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे। जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में। दिखा देगा पुनीत कुमार, जो पुनीत सुपरस्टार रात को जो है ठंड में सोया है ना, औकात दिखा देगा एक एक की। सालो तुम लोग भी ऐसी तड़पोगे जैसे पुनीत सुपरस्टार को तुमने बिग बॉस के हाउस में बुलाकर यहाँ पर ठंड में सुलाया है। 1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। तो क्या है, अय्याशी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब फालतू की चीजें कर रहे हैं। एमसी स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला। क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। एमसी स्टैन से उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है। तो कोकी एल्विस जैसे बहुत से ढोंगी है सोशल मीडिया पर। अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, समझी? आज गलती से आई है, जिस वजह से आई है ना, जिस वजह से। दुलू राठी ने मार दिया एल्विस यादव को। तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी और एल्विस यादव की, जो कि इस टाइम का सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चालू है गाइस, कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काउंटर करने में लगे हैं कि भाई कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी वाले भी नहीं लड़ते होंगे। ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं बिकॉज पता नहीं चल रहा है केरला स्टोरी की वजह से लड़ा जा रहा है या खुद की वीडियोस पे कि उन्होंने तूने बोला कैसे मेरे बारे में, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सीन है। तो चलते हैं, देखते हैं दोनों के बयान में क्या सुनने मिलता है। चलो फिर पहले सुनते हैं एल्विस यादव की। और मैं कहूँ पूरी सच्चाई है तो है, तो है फिर तो गलत हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। पर कई यूट्यूबर हो रहे हैं जो उनके प्रोपेगेंडा में ये ना आ रही, मेरे तो समझ में ये ना आ रही कि ये मतलब जो कर रहे हैं उनकी छोड़ो, जो हमारे साथ के लोग हैं वो पागल हैं क्या यार, उन्हें समझ ना आएगा ये चीज। भाई होते हैं अलग अलग टाइप की पब्लिक होती है, खासकर लड़कियां ना इजी टू इन्फ्लुएंस होती है, तो तुझे पता ही है। विनय भाई हमारे प्लेयर आदमी, क्रिकेट प्लेयर। तो भाई कई हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उन भाई को जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं है कई, मतलब जर्मन शेफर्ड वगैरह कोई कुछ नाम है, कॉपी राइट है अपना घर का गाना। अच्छा, जर्मन शेफर्ड तो कुत्ते का नाम है ना। जर्मन शेफर्ड कई और भी हैं, कुत्ते कहीं घड़े भोंक रहे हैं जर्मन शेफर्ड वाले, जो कह रहे प्रोपेगेंडा मूवी है। मैं कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं पर मतलब बहुत दूर है भाई जी, नाइट देख। हाँ जी, तो जिसको नहीं पता कि भाई आज की वीडियो किस टाइटल पे है, मैं किसको बोल रहा हूँ, किसने क्या बोल दिया केरला स्टोरी के बारे में, तो हमारे फेलो यूट्यूबर, हमारे फेवरेट राठी जी, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं भाई, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं, और सो कॉल्ड जिसकी जनता भी वैसी है भाई, हम तो ए क्लास हैं, ये है वो है। असल में जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में, तो आपको पता होता कि वो क्या कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब एकदम से ना वो ये बोलता कि ये सही है ना ये गलत है, धीरे धीरे जो धीरे धीरे माइंड वॉश होती है ना, कि फैक्ट्स भी बता दिए, सारी चीज़ बता दी, पर हर चीज़ मोड़ तोड़ के किसी चीज़ को अगर उसे अच्छा बताना है ना, तो वो दूसरी की बुराई कर देगा, बेशक वो चीज़ अच्छी ना हो। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अब तुम उसके सब्सक्राइबर हो के मेरे को गाली बकोगे, कोई दिक्कत ना, सब्सक्राइबर हमारे द्वारा भी है, भगवान की दया है, ये उल्टे गाली बकेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही ना है कि गाली गलौच होगी, पर बात इतनी है कि फैक्ट्स को जो मोड़ तरोड़ के पब्लिक को दिखाया जा रहा है ना, वो चीज सही नहीं है। एल्विस यादव गाइस ये कह रहे ध्रुव राठी को कि वो जर्मन शेफर्ड है और वो टेररिस्ट है, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो ना देखो, उनके सब्सक्राइबर जो है वो उन्होंने सब्सक्राइब क्यों किया है, उनका कहना ये है। तो अभी इसमें केरला स्टोरी को टारगेट किया गया था तो वो किधर गया, ये तो ध्रुव राठी पे आ गया ना सीधा। तो अब चलो आगे देखते ध्रुव राठी का क्या कहना है।
सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना ध्रुव राठी क्या कह रहे हैं, ध्रुव राठी लगे इंट्रोड्यूस कराने में कि उनका नाम सिद्धार्थ यादव है, उन्होंने इंग्लिश नाम क्यों रखा है। जी जी मेरी मर्जी अनवर भाई, जब आपको अर्जी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है, मैं नाम से इंस्पायर हो गया कूल बनने के लिए रखा, तो वो ध्रुव राठी का क्या नाम है। तो चलते आगे सुनते हैं, देखते क्या बोल रहे हैं। हर पांच सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं, ये यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की, मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई ऑब्जेक्ट है, गुड़गांव मार के पता ना क्या करने आ रखे। और भाई एल्विश के लिए कोई टीचर भी क्यों ना हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसे सेट किया जा सकता है। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम, और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार। एक दूसरे वीडियो में एल्विश तीन तीन लड़कियों को सेट करता है। तो गाइस आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, ध्रुव राठी सीधा टारगेट कर रहे हैं केरला स्टोरी, कुछ नहीं वो केरला स्टोरी तो एक साइड गया, अब ध्रुव राठी टारगेट कर रहे हैं कि विषयों के कि उनके कंटेंट में अलग गलत वर्ड्स हैं, मतलब एक गलत मैसेज है। ठीक है, तो मैं मतलब एक मेरा खुद का क्वेश्चन है और बाकी कई लोगों का क्वेश्चन होगा ये कि बाबा उससे क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। मतलब आजकल अभी लोग सीरीज देख रहे हैं, तो अभी फर्जी हुआ, फिर मिर्ज़ापुर, ये सब देख के तो क्या क्या मैसेज मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। वो एक कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी में तुम उसको बोल रहे हो ये वर्ड है वो वर्ड है, एक एक पॉइंट पकड़ रहे हो ऐसा। राठी जी गलत है ये। लड़के इसका चैनल देखते हैं, उन तक क्या मैसेज जाता है कि अगर कूल बनना है तो आप भी लड़कियों की बात इसी तरीके से किया करो। ये तो थी औरतों की बात। मेरे वीडियोस देखकर लोग गांधी जी के आइडियल्स और पीसफुल डिस्कशन में यकीन करने लगेंगे, एज कम्पेयर टू तेरे वीडियोस देखकर लोग क्या अच्छा मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स हो। क्योंकि आप ध्रुव राठी की पूरी वीडियो चेक करो, अब मैं पूरी वीडियो तो अपने वीडियो में डालूंगा नहीं, ठीक है, आप उसकी पूरी वीडियो चेक करो तो वो किस हिसाब से बता रहे हैं। एल्विश यादव की ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी गलती ध्रुव राठी की होगी, एल्विश यादव के भी ऐसे वर्ड्स हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी वो कॉमेडी में तो वो एक गलत चीज़ है। हाँ, और रही बात एक बार राउंड टू हेल वालों से भी ये गलती हो चुकी थी, क्योंकि वर्ड में एक गलत वर्ड आ गया था जो कि राधा माँ को रहा था, तो उसके वजह से वो पूरी वीडियो को डिलीट किया गया था और केस हुआ था। तो प्लीज़ एल्विश यादव आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि किसी भी धर्म से ना किसी भी धर्म को काउंटर करना ये गलत है। ठीक है, ठीक है। और ध्रुव राठी जी उनका तो भाई उनके हिसाब से तो रामायण भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक ड्रामा स्टोरी है। ठीक है, वो एक ड्रामा स्टोरी है, धीरेन्द्र शास्त्री इन लोग जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है ध्रुव राठी के हिसाब से। अरे बाबा तुम बता रहे हो, एल्विश यादव का माइंडसेट लड़कियों में अलग है, और तुम जो उधर गए थे जर्मनी ये सब घूम रहे थे वो क्या था। Everyone is more concerned about the face reveal than the flower, I think. Everything is so white here. Yeah. And even you are white. There you go. Yeah. अगर आपको भी वाव के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Oh, now I'm checking if you have any brass spots because to be a bit more careful next time. तो गाइस आप लोग ने देख लिया होगा हमारे ध्रुव राठी जी का भी माइंडसेट क्या है लड़कियों को लेके। वो इंडिया पे नहीं रहते बाबा, इंडिया से दूर है वो सीधा बाहर। तो चलते अभी आप लोगों ने देख लिया, उनके असिस्टेंट का कहना था कि वो 5 मिनट में एल्विश यादव के सारे गलत कंटेंट को ढूंढने होता, मुश्किल नहीं हुआ, रिसर्च नहीं करना पड़ा। अरे तो इनका रिसर्च क्या, इनका तो सर्च भी नहीं सर्च करना पड़ रहा है, उसमें आ रहा है ये देखो थंबनेल, देखो बस आप थंबनेल देख के आप ध्रुव राठी के ब्लॉग्स देखने जाओगे, उनके बाजू के वजह से देखने जाओगे, तो ऐसे ही बताना कमेंट में। तो चलते अभी नेक्स्ट, जो कि काफ़ी खतरनाक सीन चालू है बिग बॉस। गाइस बिग बॉस OTT जिसमें पुनीत, लॉर्ड पुनीत वर्सेस एमसी स्टैन प्लस बिग बॉस, जो कि एक अलग ही मोड ले चुका है। छोपरी ना है भाई, ये पीछा उनका वो है लोगो किसकी तरफ, एमसी स्टैन की तरफ, स्टैन। तो गाइस बढ़ते स्टैन की तरफ। अब स्टैन क्या कह देते हैं लॉर्ड पुनीत को कि उनका कंटेंट क्रिंज है, ठीक है, और लॉर्ड पुनीत भी क्या रिप्लाई देते हैं जिसमें मैं मतलब एक अलग वे में रिप्लाई देते हैं, ये सुनो एमसी स्टैन पहले क्या कह रहे हैं और फिर लॉर्ड पुनीत क्या कह रहे हैं, सुनते।
ऐड करने से पहले एक सवाल था ना क्या हम लोग को पूछने का था सवाल कि तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को क्या बोलेंगे तुम इस पे नहीं क्या मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ मैं किसी की कॉपी नहीं करता तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा हाँ क्या सही है मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना लॉर्ड पुनीत बोल रहे हैं कि मैं किसी को कॉपी नहीं करता जैसे कि एमसी स्टैन बाहर के रैपर्स को कॉपी करते हैं और पुनीत सीधा बोलते हैं मैं किसी को कॉपी नहीं करता मैं खुद की कंटेंट खुद मतलब खुद क्रिएट करता हूँ बात तो सही है यार मतलब 101% किधर तो किधर सही है बात तो यार ये लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एमसी स्टैन ऐसा बोल जाएंगे लॉर्ड पुनीत को क्योंकि भाई दोनों सेम प्लेटफॉर्म से आते हैं और रिस्पेक्ट करना चाहिए था यार ये गलत था तुम्हें शो मेकर्स ने लिख के दे दिया तुम बोल दिए ऐसा एक टाइम तो सोचना चाहिए था माना कि तुम एक विनर हो पहले पहले के विनर हो बट यार सोचना चाहिए था अभी उस बेचारे को तुम सीधा आके तो क्रिंज है तुम्हारा भी कंटेंट क्या मेरे को भी थोड़ा क्रिंज लगा ऐसा ये गलत था स्टैंड बाय तुम्हारा और तुम्हारे आर्मी देखो समय सबका आता है तुम्हारी आर्मी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हुई करती थी सब लोग तुम्हारे बारे में मतलब कोई किधर जैसे साजिद ने पहले कुछ बोल दिया था बराबर तो साजिद को कैसे रिमांड पे लिया गया था और अब तुमने बोला तो तुम्हें कैसे रिमांड पे लिया जा रहा है वो भी तो देखो तुम्हारा कमेंट सेक्शन खोलो ये देखो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पूरा गालियाँ भर रखे छपरी 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 तो अभी हो गया काम अलग ही माना कि तुम हो बात अलग है तो चलते अब यही आप बस चालू था तो चलते अपने रेगुलर कंटेंट देखो स्टैन तुम्हारा एक टाइम था कि तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़्यादा पब्लिक आई थी और आज लॉर्ड पुनीत के 7 लाख लोग वो बंदे में भी तो कुछ तो है माना कि उस ये जो भी रहती है सबको पता है सबका टाइम जाएगा अभी तुम्हारा टाइम आया था तुम्हारा टाइम गया फिर बाबा का ढाबा रानू मंडल पुनीत का भी किधर तो किधर ऐसा टाइम होगा कि जो ब्रेक होएगा किधर तो किधर किसी के आने कोई नया लॉर्ड पुनीत आएगा तो ब्रेक होएगा तो बस यही थे आज की वीडियो कॉन्ट्रोवर्सी चालू था गाइस और पापा को लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल तो एक दो दिन हॉस्पिटल में ही था अभी मंडे को वापस ट्रीटमेंट है तो वापस जाना है हमें तो प्लीज़ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो बट सपोर्ट मत छोड़ना आप लोगों का सपोर्ट जो इस टाइम मिल रहा है ना कसम से यार बहुत ज़्यादा तेज है एक एक दिन में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ जा रहे हैं कि उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद यार दिल से धन्यवाद कि मेरी फैमिली ग्रो हो रही है इतने फास्ट थैंक्स फॉर दैट गाइस तो और मैं भी आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहूँगा ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वो जो मंडे को ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ अगर हो सकेगा तो मैं उसकी भी वीडियो लूँ पूरी वीडियो मतलब पूरा दिन मैंने कहाँ कैसे क्या किया है वो भी मैं बताऊंगा तो चलते फिर ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं यार गाइस थोड़ा सा दोस्त इतना हमें काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी थी वो हॉस्पिटल में हर जगह ट्रीटमेंट नहीं मिलता पहले हम गए थे गवर्नमेंट उसके बाद हमें जाना पड़ा प्राइवेट वो भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद क्योंकि हमें पहले बोला कि क्या गवर्नमेंट साइड वो ट्रीटमेंट होती है उधर तो कुछ नहीं होती तो उधर गए ऐसा सीन काफ़ी ज़्यादा है तो चलते अभी जो भी होपफुली ठीक हो जाएंगे पापा भी तो वैसे तो अभी ठीक है बट पूरा ठीक है ना 100% कहते हैं ना वो तो चलते हैं वीडियो को इधर एंड करते हैं आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में बाय।